नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। एक बार फिर से कोरोना के बढ़ते केसों ने लोगों को भयभीत कर दिया है, तो वहीं अब कई बॉलीवुड सितारे कोविड की चपेट में हैं। अब फिटनेस आइकन जॉन अब्राहम और उनकी पत्नी प्रिया रुंजल भी कोरोना संक्रमित हो चुकी हैं। लेकिन लंबे समय तक बिपाशा के साथ दिखने वाले जॉन अब्राहम पिछले करीब 6 साल से प्रिया रुंजल के साथ देखे जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कौन है प्रिया रुंजल। जॉन अब्राहम ने विपाशा से ब्रेकअप के बाद प्रिया रुंजल से साल 2014 में शादी की थी। दोनों की शादी बॉलीवुड के लिए बहुत बड़ा सरप्राइज थी, क्योंकि इस शादी से पहले किसी को पता नहीं था कि जॉन पिछले 3 साल से प्रिया को डेट कर रहे थे। प्रिया और उनकी मुलाकात साल 2010 में एक जिम में। उस वक्त जॉन और बॉलीवुड की हॉट बेब बिपाशा बसु लिव इन पार्टनर थे। जॉन और बिपाशा साल 2003 में फिल्म जिस्म में काम करने के दौरान एक दूसरे को प्यार करने लगे थे और इसके बाद दोनों बॉलीवुड के हॉट कपल बन गए। हर किसी को लगता था कि दोनों शादी करेंगे। 9 साल बाद एक दूसरे को डेट करने के बाद 2011 में जब ये रिश्ता टूटा तो हर कोई हैरान हो गया। 2014 में जॉन ने जब ऐलान किया कि वो प्रिया रुंजल से शादी करने जा रहे हैं, तो लोग प्रिया को बिपाशा और जॉन के ब्रेकअप की वजह मानने लगे। फिलहाल अब दोनों ही सितारे अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुके हैं। प्रिया रुंजल नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से हैं और मीडिया से काफ़ी दूर रहती हैं। वो पेशे से एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं और US में रहती हैं। प्रिया का जन्म अमेरिका में ही हुआ था, वो भारत में भी काफ़ी कम रहती हैं। जॉन एक आइडियल मॉडल और एक्टर हैं, शराब स्मोकिंग से काफ़ी दूर रहते हैं, यही वजह है कि वो फिल्मी पार्टियों में भी नज़र नहीं आते। लेकिन कभी कभार किसी होटल में डिनर करते हुए जॉन के साथ प्रिया रुंजल दिख जाती हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।